connective tissue. Connective tissue means, जैसे पता चल रहा है कि connective tissue means which connects different parts of the body, different organs of the body. That is called as connective tissue. इसका मतलब organ के अंदर नहीं है, उनकी wall में हो सकता है connective tissue, या दो different organs के बीच में, जितना हमारा maximum tissue है चीजों के बीच में. जैसे हम कहते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था nervous tissue में भी, ऐसे यहाँ पे कि अगर दो शीशे के ग्लासेस हैं तो उनके बीच में जो भूसा है, what is that? That is connective tissue. ठीक है, तो इसी तरह different organs के बीच में जो tissue है, that is connective tissue. तो हम क्या कहते हैं, connective tissue is most abundant and widely distributed tissue in organisms. सिर्फ हमारे में नहीं, organisms में, complex organization. That is called as connective tissue. ठीक है, तो connective tissue का function क्या है? Connective tissue जो है, it connects various parts or organs with each other. Yeah, it connects the various organs with each other. If हर organ की covering बनाता है, it supports various tissues. And organs उनको सपोर्ट करता है. इट हेल्प्स इन गिविंग स्ट्रेंथ टू अवर बॉडी. Helps in movement, bones and cartilages. Helps in movement and locomotion. Blood and lymph है. Transport या transportation of nutrients, gases, hormones, wastes, etc. ठीक है, तो ये सब फंक्शन किसके है? दैट इज ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है जी. तो अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, आपको पता है देयर इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू इंक्लूड्स ब्लड एंड लिम्फ. ये हमने सर्कुलेटरी सिस्टम में सारा कर लिया. देन देयर इज प्रेजेंट स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू विच फॉर्म्स अवर एंडोस्केलेटन. इट इंक्लूड्स बोन्स एंड कार्टिलेज. देन देयर कम्स
connective tissue. Proper. It includes areolar connective tissue, then fibrous connective tissue. Okay, main aa jata hai areolar connective tissue and fibrous connective tissue. ठीक है जी. और हम एक और इसकी एक और मैं जो है आपको जैसा कि आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है ठीक है, यहाँ पे एक और क्लासिफिकेशन इसमें आ जाता है लूज कनेक्टिव टिश्यू. लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या आ जाता है? इट इज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, अनदर इज एडिपोज टिश्यू, फैटी टिश्यू. लूज कनेक्टिव टिश्यू का मतलब है कि वो टिश्यू जिसमें सेल्स जो है वो लूजली अरेंज्ड. अनदर इज दूसरा इन्होंने क्लासिफिकेशन क्या बनाई है, दैट इज लूज के ऑपोजिट आ जाता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू. डेंस कनेक्टिव टिश्यू जिसमें सेल्स कंपैक्टली पैक्ड है. फर्दर दो टाइप के हैं, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू. डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में क्या है कि जो सेल्स है वो रोज में प्रेजेंट है ठीक है, दैट इज डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू. और डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है जहां पे जो फाइबर्स है सेल्स है वो इरेगुलरली जो है वो प्रेजेंट. इज इट ओके? एंड देन देयर इज प्रेजेंट स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू. स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में हमारे पास फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू एंड स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, ये दोनों आ जाते हैं. एक क्लासिफिकेशन इस तरह से है, एक क्लासिफिकेशन इस तरह से है. ये दोनों डेंस कनेक्टिव टिश्यू इंक्लूड्स फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू ठीक है. तो इस तरह से ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी है, ये हम जनरल करते हैं. तो आप दोनों लिख लो, बट यहाँ पे इसके ऊपर लिख लेना दिस इज अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी. चलिए जल्दी से नोट डाउन दिस. तो सबसे पहले हम आ जाते हैं बेटा लूज कनेक्टिव टिश्यू. तो हमारे पास तीन टाइप के टिश्यूज हमने बता दिए, दोबारा से मैं बता रही हूँ. लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू. जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है, पहली बात तो इसके कंपोनेंट्स क्या है. कंपोनेंट जैसे ये सेमी फ्लूइड जेली लाइक सीमेंटिंग सब्सटेंस है, दिस इज मैट्रिक्स ग्राउंड सब्सटेंस.
और इसको हम क्या बोल देते हैं, मैट्रिक्स कह देते हैं। और साथ में क्या है, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स। एंड थर्ड है फाइबर्स, राइट। तो सबसे पहले आ जाता है कि इसमें सेल्स कौन से है, फाइबर्स कौन से है, क्या है। जो सेल्स है सबसे पहले तो इसमें कौन से है, दैट इज फिब्रोब्लास्ट्स। क्या फंक्शन है फिब्रोब्लास्ट्स का, सिक्री फाइबर्स। अनदर थिंग, देयर आर प्रेजेंट मैक्रोफेजेस। क्या फंक्शन है मैक्रोफेजेस का, दे आर फैगोसिटिक सेल्स। फैगोसिटिक सेल्स, व्हाट डू यू मीन बाय फैगोसिटिक सेल्स, दैट इज दे ट्रैप माइक्रोब्स। कोई माइक्रोब्स अंदर चले गए एंड डाइजेस्ट दैम, उनको पकड़ते हैं, मारते हैं और खा जाते हैं। तो इसलिए दीज आर पार्ट ऑफ अवर इम्यूनिटी। अनदर इज मास्ट सेल्स। मास्ट सेल्स जो है दे सिक्रीट सर्टेन केमिकल्स। कौन से केमिकल्स, दे सिक्रीट हिस्टामिन। हिस्टामिन को हम क्या बोल देते हैं, वासोडाइलेटर। वासो मतलब ब्लड वेसल्स, विच वाइडन्स और डायलेट्स। बीवी मतलब ब्लड वेसल्स। सिक्रीटेड ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन मीन्स कहीं पे भी इंजरी हो जाए, चाहे एक्सटर्नल इंजरी है और हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी इंजरीज चलती रहती है, ठीक है, तो इंटरनल इंजरीज भी हो सकता है। देन इट ऑल्सो सिक्रीट्स सीरोटोनिन। हिस्टामिन करके वासो डायलेशन कर दी, ब्लड वेसल्स को डायलेट कर दिया, जब उनका काम हो गया तो दोबारा से क्या कर दी, ब्लड वेसल्स को नैरो कर दिया। दिस इज वासो कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्टर कह लीजिए, विच कॉजेस नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल्स। क्योंकि यहां पे ब्लड वेसल्स खुली हो रही है, आप देखो कि आप पानी चला दो, एक छोटी पाइप है और एक मोटी पाइप है, प्रेशर किसमें, एक ही प्रेशर से दोनों में पानी डालो तो किसमें पानी धीरे धीरे आएगा, मोटी पाइप में, छोटी पाइप में बहुत जल्दी है, ठीक है। सो इट इंक्रीजेस, इट डिक्रीजेस बीपी ब्लड प्रेशर, जबकि ये नैरो कर रही है तो इट इंक्रीजेस ब्लड प्रेशर। देन देयर आर ऑल्सो प्रेजेंट एडिपोस सेल्स। फंक्शन क्या है, स्टोर फैट्स। देन देयर आर प्रेजेंट फ्यू डब्ल्यूबीसीज। देयर आर मेनी अदर सेल्स
बट ये कॉमन सेंस। उसके बाद आ जाते हैं फाइबर्स, मैं थोड़ा सा नीचे करके बता रही हूँ। दो मेन फाइबर्स है, व्हाइट फाइबर्स, येलो फाइबर्स। व्हाइट फाइबर्स आर फॉर्म्ड ऑफ कोलेजन, सो कोलेजन फाइबर्स, प्रोटीन कोलेजन। दीज आर इलास्टिन फाइबर्स। जो व्हाइट फाइबर्स है, दीज अकर इन बंडल्स, आर अनब्रांच्ड, कोलेजन प्रोटीन इज टफ, प्रोटीन इज टफ, कोलेजन, एंड दस दीज फाइबर्स प्रोवाइड स्ट्रेंथ। जबकि जो येलो फाइबर्स है, दीज आर ब्रांच्ड, सिंगली अकरिंग, एंड इलास्टिक। ठीक है जी, जैसे अब अगर हम ये देखें, दिस इज मैट्रिक्स, इसमें क्या प्रेजेंट है, इसमें बंडल्स ऑफ फाइबर्स प्रेजेंट है। कौन से फाइबर्स? व्हाइट फाइबर्स। These are white fibers. ठीक है जी, और ये फाइबर्स जो है एक शीट में एनक्लोज है। ये शीट है या ये फिब्रोब्लास्ट आपको हम, दिस इज फिब्रोब्लास्ट, जो ये मैं रेड कलर का बना रही हूँ, दिस इज फिब्रोब्लास्ट, जिसमें से ये फाइबर्स निकल रहे हैं, जो इन फाइबर्स को बना रहा है। इनका फिब्रोब्लास्ट अलग हो गया। देन देयर इज प्रेजेंट अ नेटवर्क ऑफ येलो फाइबर्स। देन there is present amoeba like, these are macrophages, ye jo hai ye hai एडिपोस सेल्स, ये सेल है और ये बीच में फैट ग्लोब्यूल है,
ऐसे बहुत सारे एडिपोज सेल्स मिलेंगे. देन देयर इज ऑल्सो प्रेजेंट मास्ट सेल्स. These are mast cells. ये सब कनेक्टेड टिश्यू के लूजली अरेंज सेल्स. सो दिस इज लूज कनेक्टेड टिश्यू. इसमें क्या है ये देखो, ये है मैक्रोफेजेस, दिस इज ग्राउंड मैट्रिक्स, दिस इज एडिपोज सेल्स या फैट सेल्स, दिस इज मास्ट सेल, दीज आर वाइट फाइबर्स, दिस इज रेड कलर का जो है फिब्रोब्लास्ट है, एंड दिस इज येलो फाइबर. ठीक है जी. सो दिस इज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू. जल्दी से पहले ये करो ड्रॉ, फिर हम आगे करें. लूज कनेक्टिव टिश्यू हमने दो टाइप का बताया था, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू. दिस इज ऑल अबाउट, जो भी हमने ये लिखा है दिस इज अबाउट एरियोलर कनेक्टिव. सबसे पहले एक पॉइंट आपने आई थिंक लिखा ही होगा कि लूज कनेक्टिव टिश्यू इज दैट इन विच सेल्स एंड फाइबर्स आर लूजली अरेंज्ड. लिखा है ये, लिख लो. लूज कनेक्टिव टिश्यू इज दैट इन विच सेल्स एंड फाइबर्स आर लूजली अरेंज्ड इन semi-fluid jelly-like ground matrix. Next are the functions of areolar tissue. It is present beneath skin. It is present below skin. And connects skin with muscles. ये skin है, ये connective tissue है, ये muscle fibers है. तो ये connective tissue, it connects skin with the muscles. It connects skin with the muscles. Next आ जाइए, areolar connective tissue forms the walls of most of the structures. Walls of most of the structures in our body. For example, it forms the submucosa of alimentary canal. It forms the submucosa of
एलिमेंट्री कैनाल. इट फॉर्म, नेक्स्ट पॉइंट करके, इट फॉर्म्स द कवरिंग्स ऑफ मसल्स एंड नर्व्स. तो पेरिमाइसियम पेरिन्यूरियम हमने कहा था. इट फॉर्म द कवरिंग ऑफ पेरिमाइसियम पेरिन्यूरियम एटसेट्रा. सॉरी, इट फॉर्म द कवरिंग ऑफ मसल्स एंड नर्व सच एज पेरिन्यूरियम पेरिमाइसियम एटसेट्रा. नेक्स्ट है, इट सर्व्स एज ए सपोर्ट फ्रेमवर्क. इट एक्ट्स एज ए सपोर्ट फ्रेमवर्क और एपिथेलियम. एपिथेलियम का, जहां पर भी एपिथेलियम है, ऑब्वियस एपिथेलियम के बाहर या अंदर कनेक्टिव टिश्यू है, तो उसको सपोर्ट करता है. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा एडिपोज टिश्यू. एडिपोज टिश्यू इज फैटी टिश्यू. अगेन सेकेंड है, एडिपोज टिश्यू में क्या है, वही ब्राउन मैट्रिक्स. फ्यू बंडल्स ऑफ व्हाइट फाइबर्स. कुछ येलो फाइबर्स है. फ्यू मैक्रोफेजेस बट अबंडेंट फैट ग्लोब्यूल्स. लिखते चलो साथ साथ. अबंडेंट फैट ग्लोब्यूल्स या फैट सेल्स कह लीजिए. फैट सेल्स कैन बी यूनिलोब्यूलर और इट कैन बी मल्टीलोब्यूलर. इट कैन बी यूनिलोब्यूलर और दे कैन बी मल्टीलोब्यूलर. ये देखो, अगर हम लेबल करें, ये है फैट सेल, ये है इसका न्यूक्लियस, ये है फैट ग्लोब्यूल्स. अगर एक फैट ग्लोब्यूल है देन इट इज यूनिलोक्युलर फैट सेल. इफ देयर आर मेनी फैट ग्लोब्यूल्स देन इट इज मल्टीलोक्युलर फैट सेल. सो दिस इज एडिपोज टिश्यू. सिंगल फैट ग्लोब्यूल तो यूनिलोक्युलर, मेनी फैट ग्लोब्यूल्स तो मल्टीलोक्युलर. नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए. इन फैट सेल्स मैक्सिमम पार्ट ऑफ द सेल is occupied by the fat globule. Next है, adipose tissue is meant for storing fats. Adipose tissue is meant for storing fats.
नेक्स्ट है एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स. एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली, विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर कन्वर्टेड, आर कन्वर्टेड इंटू फैट्स एंड आर स्टोर्ड इन द एडिपोज टिश्यू. Stored in the adipose tissue. Location क्या है adipose tissue? Location है बेटा present below skin. और कहाँ पे है? Present around kidneys, eyeball, etc. Functions क्या है? एक तो first function है वही store fats. Okay, fats को store कर लिए और it protects, it is heat insulator. It is heat insulator and thus prevents escape of heat from our body. Then forms shock proof layer. And prevents organs from mechanical injury. मैकेनिकल इंजरी. और बेटा इट इज, यहाँ पे ध्यान से देखो, इट इज वेरी थिक, इन एनिमल्स लिविंग इन लो टेम्परेचर रीजन. क्या बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ रहे, सच एज पोलर बियर. ठीक है, क्योंकि ये क्या करते हैं, हीट इंसुलेटर. अनदर पॉइंट, इट फॉर्म्स ब्लबर ऑफ वे. Which is rich in vitamin A also. तो इससे बेटा whales को कुछ, उनको खाना नहीं है, कोई खाता नहीं है whales को. Whales में से blubber को निकालने के लिए लोग बहुत सारी whales को जो है वो मारते हैं और इस blubber में से उनको क्या मिलता है, जो oil मिलता है, जो fats मिलती है, it is rich in vitamin. I think this is cruelty. अपनी बॉडी में हमें क्या चाहिए बेटा, अगर हमने विटामिन ए है तो हमारे को नेचर में बहुत सारी, प्लांट्स की फॉर्म में बहुत सारी चीजें दी हुई है. वी शुड ईट दैट सो दैट इट कैन जनरेट विटामिन ए इन अवर बॉडी इटसेल्फ रादर देन किलिंग अदर एनिमल. हम एक चीज आ जाती है बेटा, एक बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल है वेज एंड नॉन वेज में. ठीक है, जो वेजिटेरियंस है वो इस तरह से जैसे मैंने कहा वो कह देते, जो नॉन वेजिटेरियन वो कहते प्लांट्स भी तो लिविंग है ना. दिस हैपेंस इन अवर होम आल्सो, डिबेट चलती है कि भी प्लांट्स भी लिविंग है, हम उनको मार देते हैं. पर बेटा प्लांट्स का क्या है, थोड़ा सा मैं बता दूं, ऑल्दो आउट ऑफ द टॉपिक है बट स्टिल, कि प्लांट्स का क्या है, कि प्लांट्स के जिनके हमने फ्रूट्स ले लिए
दे कैन रीजेनरेट, है ना, उनके बहुत सारे अमाउंट में फ्रूट सीड्स आते, दे कैन रीजेनरेट। दूसरी बात है कि बहुत सारे प्लांट जो पूरा प्लांट खत्म हो जाता है वो है ही एनुअल प्लांट, उसके बाद उसने एक साल ही ग्रो करता है, उसके बाद अगर आप नहीं कुछ करोगे वो खुद ही मर जाए, ठीक है। तो इस तरह से आई थिंक दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू या बहुत सारे लोगों का, कि हम जो है हमारी डाइट जो है वो प्लांट डाइट मेन है, ठीक है। चलो रेस्ट इज द टॉपिक ऑफ द डे, ठीक है जी। चलो ये लिख, नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में पहले लिख लीजिए द सेल्स एंड फाइबर्स, यहाँ पे मेनली है फाइबर्स एंड फिब्रोब्लास्ट, ठीक है। यहाँ पे स्पेसिफिकली है फाइबर्स एंड फिब्रोब्लास्ट आर कंपैक्टली पैक्ड इन इट, मतलब हम डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बात कर रहे हैं। इट हैज few other cells, it has few other cells, है तो सही बट बहुत थोड़ी सी, few other cells। Next है as it is formed of mainly fibers, that is why it is also called as fibrous connective tissue, fibrous connective tissue। तो पहला आ जाइए इसमें डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। इन दिस द फाइबर्स आर वाइट फाइबर्स, अगर हम कहें कोलेजन फाइबर्स, इन दिस द कोलेजन फाइबर्स आर प्रेजेंट इन रोज, आर प्रेजेंट इन रोज, ठीक है जी। तो द कोलेजन फाइबर्स, येलो फाइबर्स भी प्रेजेंट है बट कोलेजन फाइबर्स आर प्रेजेंट इन रोज। ठीक है, और साथ में क्या प्रेजेंट है इनके, इन बिटवीन देयर आर प्रेजेंट यू नो दीज आर फिब्रोब्लास्ट, ये सब क्या है दीज आर फिब्रोब्लास्ट्स। And these are parallel bundles of fibers, right? So, dense connective, dense regular connective tissue में the मैंने क्या लिखवाया, the collagen fibers are present in parallel rows, right? And there are also present yellow fibers. Collagen fibers की rows है, yellow fibers तो है ही। These are of two types. Tendons, dense connective tissue is of two types. Tendons and ligaments.
टेंडन्स में क्या फर्क है, इसमें अबंडेंट वाइट फाइबर्स है और इसमें ज्यादा क्या है तो सही वाइट फाइबर्स बट अबंडेंट येलो फाइबर्स। टेंडन्स जो है बीस कनेक्ट, हमें याद रखना है बी एम टी, टी मतलब टेंडन्स, बोन्स विद मसल्स। टेंडन्स कनेक्ट बोन्स विद मसल्स और यहां पे हमें याद रखना है बीबीएल, लिगामेंट्स कनेक्ट बोन्स विद बोन्स, लिगामेंट कनेक्ट बोन्स विद बोन्स। नेक्स्ट आ जाता है बेटा डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, इट हैज फाइबर्स, इररेगुलरली अरेंज्ड, इट हैज फाइबर्स irregularly arranged, mainly has collagen fibers but few yellow fibers also, few yellow fibers also। These are fibroblasts. It is present, मतलब dense irregular connective tissue is present in, you know, skin. Dense irregular, this is dense regular, this is dense irregular connective tissue, it is present in the skin. ओके बेटा ठीक है, तो आज हम यहां तक करेंगे, नेक्स्ट वी विल डू नेक्स्ट टाइम।